नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी के मौरानीपुर ब्लॉक में सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश कंचन जायसवाल की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई एवं जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुपस्थित डिप्टी सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चौपाल में महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभाग द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनकी अधिकार एवं संस्कार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई एवं महिलाओं की समस्या सुनी गई एवं संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए गए। वहीं मौरानीपुर कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया जिसमें महिलाओं की शिकायतों पर प्रमुखता से कार्यवाही की गई या नहीं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमओ के अनुपस्थित होने का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में जिला प्रवेशन अधिकारी नंदलाल, अपर जिला मजिस्ट्रेट वान्या सिंह, तहसीलदार वंदना कुशवाहा, सीओ मनीष सोनकर, वीडियो प्रतिभा साल्या सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। कैसे सक्षम नहीं है अपने आप में, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या योजना है? देखिए, जो महिलाएं सक्षम अपने कार्य करने के लिए नहीं है, आपका आशय क्या है? ये कार्रवाई होती है किसी चीज से पीड़ित है वो, तो उनके लिए क्या योजना है सरकार की तरफ से, क्या सुविधाएं हैं? पीड़ित अगर कोई महिला हो गई है, अगर उसका किसी प्रकार से हिंसा उसके ऊपर हुई है, उत्पीड़न हुआ है ससुराली जन द्वारा, वो परेशान की गई है, तो जिला प्रोबेशन में या हमारे यहाँ एक आशा ज्योति केंद्र होता है, वहाँ उनको विधिक जानकारी से लेके पुलिस प्रोटेक्शन से लेके उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके यानी हर तरीके की सुविधा उसको 5 दिन के लिए वहाँ पे दी जाती है जब तक उसका केस दर्ज नहीं हो जाता है। और केस दर्ज होने के बाद में वो महिला को अगर संबंधित जगह सुरक्षित जगह नहीं पहुँचाने का, तो ये जिला प्रोबेशन वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से करता है। ये वो एक आपकी बात का जवाब। महिलाओं को अभी तक कितने महिलाओं को न्याय दिया गया है यहाँ पर? आज मुझे लगता है कि ये जो जनसुनवाई प्लस में महिला ग्रामीण महिला चौपाल थी, उसमें मेरे पास में आई थिंक 6 केसेस आएंगे। वो कुछ केसेस ये थे कि एक बच्ची थी, शायद उसके कुछ परिवार के जो उसी के परिवार के अन्य विपक्षी गण जो हैं, वो एक मुकदमा लिखे जाने के संदर्भ के बाद में उनके परिवार को परेशान कर रहे थे और बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे थे या उनको लगातार परेशान किया जा रहा था। इस संबंध में मैंने सीओ मऊरानीपुर को सीधे सीधे निर्देशित किया कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, और इस कार्रवाई से मुझे टाइम बार मैंने 3 डेज का किया कि 3 दिन के अंदर इस कार्रवाई का से मुझे अवगत कराया जाए, निष्पक्ष जाँच हो और कठोर कार्रवाई हो। एक इस तरीके का केस था और बाकी केसेस थे जो आवासीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या कुछ पेंशन से संबंधित कुछ मामले या एक आध मामला कि कोई जबरन कोई समाजवादी पार्टी का कहीं यहाँ दबंग पहले प्रधान रहा होगा, अब तो वो प्रधानी भी खत्म हो गई, आज जैसे कि आरक्षण की सूची भी जारी हो गई हैगी, अब वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनके मकान पे कब्जा कर रहा है, तो मैंने उसमें भी पुलिस को निर्देशित किया हैगा, उसमें भी टाइम बार रखा हैगा और वो मुझे कृत कार्रवाई से उसमें अवगत कराएं, यानी यहाँ ऑन द स्पॉट उसका आज जो है त्वरित उसकी रेजोल्यूशन हुआ। बाकी मैं समझती हूँ कि जैसे कि महिलाओं से संबंधित उनके अधिकार क्या हैं, उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह के तहत हो या कन्या सुमंगला योजना के तहत हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हो या महिला शिक्षा के तहत हो या कानून में उनको प्रदत्त क्या क्या अधिकार हैं या किन किन आईपीसी की धाराओं के तहत वो उनको सुरक्षा और शक्ति मिलती है, वो सारी धाराएँ उनको आज यहाँ बताई गई। साथ ही साथ में महिलाएं अपनी आजीविका को लेके जिसे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के तहत में यहाँ जिला उद्योग केंद्र से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत में एक टेडी बियर बनाने का काम है, तो यहाँ तमाम जो हमारी बहनें थी जो ODOP के तहत वन डे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में उनको उसकी जानकारी मिली और आगे उनको इस बात के लिए भी पुश आउट किया गया कि आप जिला उद्योग केंद्र से भी अगर कोई छोटा मोटा उद्योग डालना चाहती हैं लगाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से उनका नंबर भी आदान प्रदान कराया गया ताकि वो उनको उस चीज़ की जानकारी मिल सके और उसमें उनको लोन भी मिल सके। कई विभागों के संबंधित अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं थे जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल सका, तो आपको भी समस्या खड़ी हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा, उनका क्या स्पष्टीकरण इस बात से आता है हम लोग इसमें बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ SSG की मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रही, जो आपके इस ब्लॉक के लिए बहुत गर्व का विषय होगा,
कि SHGs के तहत यहाँ इतने अच्छे समूह हैं, मैंने काफ़ी सारे समूह में कुछ इतने आइडेंटिफाइड समूह उसको किया है कि जो बहुत अच्छा मुनाफा उस समूह में कमा रही है, काफ़ी पैसा जो है उनको बहनों को मिल रहा है, 10-10, 12-12 के जो महिलाओं के समूह हैं वो चाहे गोबर से मूर्ति बनाने का काम या गोबर से कंडे बनाने का काम या गोमूत्र को इकट्ठा करने का काम, और उनकी बहुत अच्छी तरीके से वो मार्केटिंग भी कर ले जा रही हैं, लोग उनसे खरीद रहे हैं, वो उनका अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है। एक अभी महिला थी जो समूह की महिला थी जो दलिया बनाने का और दालें बनाने का काम कर रही, उसने बताया है कि हमको कैसे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को वो बेचती हैगी। तो ये बहुत बड़ी एक बिग अचीवमेंट है आपके ब्लॉग के लिए। शहर में लोग ऑनलाइन नहीं हो पाते, गांव में एक महिला ऑनलाइन होकर अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैगी, तो ये समूह के से एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और अन्य तरीके के हमको जो यहाँ मिले हैं कि एक महिला हमको मिली जो आपके मऊरानीपुर का रानीपुर जो एक जगह है जहाँ मऊरानीपुर टेरिकॉट के नाम से बहुत फेमस था, वो महिला तौलिया बनाने का काम करती हैगी और उसको 6 रुपया पर टावल मिलता हैगा। वो महिला उसके साथ में ऐसी 10 और 12 महिलाएं हैं जो कि ये चाहती हैं कि हम अपने ही सेटअप के द्वारा ये टावल बनाने का काम करें, चाहे वो उसमें एक मशीनरी जो लगे या रॉ मटेरियल उनका आए। तो उसके तहत मैंने सीधे सीधे जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी को उनसे बातचीत कराई है कि इसका आप प्रोजेक्ट एक बनाइए, इनकी आप पूरी इसमें निष्पक्ष रूप से इनका सारा पीछे का डाटा कलेक्ट करिए कि ये महिला अपने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये पूरी मशीनरी को लगाने के लिए इसमें कितना आगे अपना चल पाएगी, या इसको किस तरह हम शासन से इसकी आर्थिक सहायता कर सकेंगे, कैसे इसके प्रोडक्ट को और प्रमोट कर सकेंगे। तो वो आज एक बड़ी अचीवमेंट हुआ कि उस महिला ने स्वयं से अपनी एक इच्छा जाहिर की। मुझे लगता है कि अगर इस ब्लॉग के लिए ये बात हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी।